ऐसी एजेंसी की जांच चलेगी, एनआईए करे, सीबीआई करे, सुप्रीम दिल्ली पुलिस करे, कौन पे बोला उसके हाथ आर्टिकल 33 से बंधे हुए हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा जेपीसी नहीं होनी चाहिए? पहला झूठ। नंबर दो, सीएजी को आपने इंडियन नेगोशिएटिंग टीम का डिसेंट नोट दिया ही नहीं था, यह भी बात सबके सामने आ गई है, इसलिए झूठ मत बोलिए। अब आपने अंजना जी पूछा कौन सी एजेंसी अगर जांच करे, तो आज बड़ी स्पष्ट बात हमने कही कि भाई सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को इस जांच में शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये गुजरात मॉडल पुराना है, मोदी और शाह का मॉडल ये कोई नया नहीं है, पुराना है, स्नूपिंग का कोई पुरानी आदत है इनकी स्नूपिंग की। अरे आपको, हम सबको चिंता होनी चाहिए, महिला पत्रकार, महिला सदस्य घरों की, अफसरों की पत्नियां, उनकी बेटियां, उनकी बहुएं, उनके मोबाइल के आप कैमरा ऑन कर देते हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। खुद आगे बढ़ के कहना चाहिए अगर गलत है तो गलत है। प्रेम शुक्ला जी, पार्टी से बंधा होना नहीं, मैं अगर आपकी पार्टी में होता मैं आज निकल कर कहता कि गलत किया गया है, और जिसके साथ गलत हुआ उससे माफी मांगता, जांच करता। ये होता है चरित्र, ये होते हैं संस्कार। कहां है संस्कार, कहां है चरित्र? अशोक गहलोत के खिलाफ बोल दीजिए, अरे अशोक गहलोत के खिलाफ बोल दीजिए, जासूसी की आपकी, वो सचिन पायलट का फोन, सचिन पायलट के विधायकों का फोन टैप कर रहे थे, जरा बोलिए, अरे बकने कराया फोन टैपिंग नहीं कराया अशोक गहलोत ने? अशोक गहलोत ने तो स्वीकार किया फोन टैपिंग कराया, अशोक गहलोत ने तो बाकायदा, चिंता नहीं आपको, आप बेशर्मी आपकी है साहब, कांग्रेस बेशर्मों का समूह है, कांग्रेस झूठों बेशर्मों लंपटों का समूह है, और बेशर्म आप है कि आप जो है प्रणब मुखर्जी के ऑफिस की जो है स्नूपिंग कराते हैं पी चिदम्बरम, डॉक्टर मनमोहन सिंह स्वीकार करते हैं कि मेरे कार्यकाल में स्नूपिंग हुआ करती थी, आप बेशर्म आप इस तरह से इज्जत होगी बहुत इस देश में, आपकी आपकी जो है इटालियन हरकतों पर आपको शर्म आनी चाहिए, लानत है ऐसी सरकार पर, आपकी फासीवादी हरकतों पर आपको शर्म आनी चाहिए, गला सिर्फ गर्म नहीं हो रहा, प्रेम शुक्ला जी, देश की संसद गर्म है, वहाँ पर तूफान आया हुआ है, मानसून सत्र का पहला सप्ताह पूरा चला गया इसी में जासूसी कांड में, इज्जत की कोई चिंता, लेकिन सवाल तो यह है कि जांच के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा ना, जिसको जिस डेटा लीक को सैंक्टिटी खुद संचार मंत्री दे रहे हैं देश की संसद में, ये कहकर कि डेटा लीक और पेगासस के स्पाइवेयर का कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, उस डेटा लीक पर एक जांच बिठाने में आपको क्या प्रॉब्लम है? सिंपल सवाल है। नहीं, 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 आप जो है पहले डेटा लीक हुआ ही नहीं, सरकार बहुत साफ तौर पर कह रही है कि पेगासस का जो आप आरोप लगा रहे हैं इस तरह की कोई जासूसी नहीं हुई है। हमारे देश में बाकायदा सर्वेलेंस के लिए सेट प्रोटोकॉल है, उस सेट प्रोटोकॉल के तहत देश के आंतरिक सुरक्षा के मामलों में आवश्यकता पर जांच होती है, जो हुआ है पेगासस कह रहा है, एनओसी कह रहा है, एनएसए कह रहा है, पहले दिन प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं हल्ला बोल रहे हैं, अब ये जो है जबरदस्ती जो है राहुल गांधी के सपने में कुछ आ जाए, पहले दिन हल्ला बोल रहे बैठे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, आप पार्टी लाइन से अलग होकर स्वीकार लें कि हाँ ये गलत हुआ है, आप भी स्वीकार लीजिए ना, आप तो उसी राजस्थान के हैं अंजना जी, ये तो माना था ना वहां पर कि खुद ही फोन टैप किए जा रहे थे विधायकों के। पहली बात तो मैं आपका स्वागत करता हूँ कि ये पहली बार प्रवक्ता के हैसियत से आए हैं प्रेम।